दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को जो फ्री में टैबलेट दिया गया है, उसमें आप बिना रिसेट के सारे एप्लीकेशन कैसे चलाएं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका टैबलेट वैसा ही रहे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और उसमें सारे के सारे एप्लीकेशन भी चले, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो इस बीच में स्किप कर देंगे तो आप लोग पूरी सेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपके टैबलेट में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। अगर दोस्तों आप रिसेट करने वाला तरीका जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। और दोस्तों, अगर आपने रीसेट कर लिया और आप चाहते हैं कि आपका टैबलेट पहले जैसा फिर से हो जाए, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, आप लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके टीएनजी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आप अपने टैबलेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐप देखने को मिलेगी दीक्षा। इस वाले ऐप पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको साइड में जो थ्री लाइंस दिख रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेरे समूह, मेरे समूह वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉग इन करने के लिए कहेगा, तो लॉग इन करने वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर हेयर, रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे ही रजिस्टर हेयर वाले पे क्लिकेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी सारी डिटेल्स मांगेगा, पासवर्ड वगैरह सब कुछ मांगेगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है रजिस्टर के बटन में, जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर वाले बटन के साइड में, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आप साइड में ऊपर की तरफ आपको देखिए जो डॉट डॉट करके दिख रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन यहां पर आ रहे हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको यूट्यूब चला के दिखा दे रहा हूं। यूट्यूब पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यूट्यूब का पूरा इंटरफेस यहां पे खुल गया है, जो चाहे आप चलाकर यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा पसीने से भीग गया हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम और आ रही है तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।